हेलो, हेलो रहमान पेंटर, बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी मेरे को आपसे एक बोर्ड बनवाना था. हाँ, बन जाएगा जी, बन जाएगा। रहमान जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या क्या आपके चार्जेस क्या होते हैं बोर्ड्स के? जैसे नंबर प्लेट का तो मुझे किसी ने बताया था, आप शायद 500 रुपये लेते हो नंबर प्लेट का, हाँ, और बाकी जो बोर्ड अगर हमें लगवाना है हाँ तो क्या चार्जेस होते हैं उसके? किस हिसाब से वो बनाएगा, वो क्या कैसे क्या होता है, वो उस हिसाब से होगा ना, क्या जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से बनेगा वो तो। अच्छा, नहीं, नॉर्मल बॉडी बनवाना है, उस पर वो लिखवाना है बुरी हाँ, नज़र बन वाले. जाएगा बन जाएगा हाँ बन जाएगा। हाँ क्या क्या बनवाना है आपको? ओ नहीं, उस पे काले बोर्ड पे बुरी नज़र वाले. तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ये तो है बोर्ड हमारे पास रखा है। तो ना 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 रहमान जी, ये बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला नहीं, फिर बुरी नज़र वाले यू आर वेलकम, है बुरी बुरी नज़र वाले यू आर वेलकम, ये नजर आपका स्वागत वाले भी कर सकते हो आप, आपका स्वागत है. कहाँ लगाना है ये? हमारा ये, मैं शर्मा ऑप्टिकल से बोल रहा हूँ, हमारा आई सेंटर है, तो जैसे आंखें वाँखें खराब होती हैं ना, कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद है, नज़र बुरी है, तो यू आर वेलकम. भाई मान गया मैं तो, आपकी दुकान पे तो यही लगना चाहिए, यही बनवा लो। हेलो। योगेश जी, हाँ जी, योगेश जी, विक्की भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ये ट्रैवल एजेंट विक्की भैया. वैसे हाँ जी, हाँ जी भैया, थैंक बाय द वे कंग्रेचुलेशन शादी में, मैं तो आ नहीं पाया, यू हमारा थैंक बुलावा यू। भी नहीं था, आपने तो बुलाया भी नहीं. नहीं, मैंने विक्की भैया को बुलाया था। नहीं, विक्की भैया चले गए थे ना. खैर कोई बात नहीं सर, सर मैंने इसलिए अच्छा, फ़ोन किया, विक्की भैया तो अभी गए हुए हैं, आपका ये हनीमून पैकेज का मेरे ऊपर दे गए थे कि आप, मेरे हाँ ख्याल जी, से हाँ जी, हाँ जी, आप 12 को निकल रहे हो ना, 12 को, हाँ जी, 12 शाम की ट्रेन है। 12 शाम की ट्रेन है, वही मैं टिकट पे लगा हुआ हूँ अभी. ऊटी अच्छा जगह अच्छा भी अच्छी चूज़ करी है आपने. हाँ जी, हाँ जी, योगेश जी, एक ये प्रॉब्लम हो गई, बस अभी कर भी दिया था, ये अच्छा, आप तो क्या? जानते ही हो, ट्रेन का सब कुछ हो गया, होटल बुक कर दिया, जो आपने प्रेफरेंस दी थी होटल की, और हाँ उसमें जी, बुफे है, मैं पहले बता दूं, सिर्फ ब्रेकफास्ट है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी तो बुफे में आपको चार्ज देना पड़ेगा ना. अच्छा, हाँ, तो इसमें बस प्रॉब्लम ये हो गई सर कि एक का हुआ है आप, बाकी तो आर एसी जा रहा है, मतलब मतलब भाभी जी का हो गया, आपका नहीं हो पाया है. कैसी बातें कर रहे हो? कैसे जाएंगी भाभी जी अकेले ही, पता है किस लिए जा रहे हैं? अरे इसमें मेरे को लग भी नहीं रहा यार, एमपी कोटे से भी कई लोगों ने टिकट करा लिए हैं और भाभी जी अकेले जा क्या करेंगी, तुम्हें पता है किस लिए जा रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हें मैंने एक महीना सर. पहले मेरे बोल हाथ दिया में है था। कुछ, मेरे हाथ में, सारी इंडियन रेलवे तो मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में अरे बट अभी मैंने तुम्हें एक महीने पहले बोल दिया, आप भी भाभी जा क्या कर रहे हैं? मैं नहीं, अकेला, तो आप भाभी जी को भेज दो ना, आप भाभी को भेज दो, आप फिर कभी हो जाए ना, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? अबे फिर कभी हुआ ये, क्या मतलब? मैं यहाँ आऊंगा, भाभी चली जाएंगी वहां पे तो। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए सीट खाली होगी तो ही मिलेगी, या फिर एक काम करो, भाभी जी को छोड़ दो ना, आप चले जाओ. समझ आ रही है तुझे, क्या बोल क्या रहा है तू, कि भाभी जी को रख तो दो मैं तुम जब कह चले रहा हूँ जाओ? तो समझ भाभी जी को भेज दो ना, वैसे मैं बता रहा हूँ मेरा खुद जाने का वहां पे प्लान है, तो मैं वहां पे हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कोई थोड़ी है, नई जगह है भाई, अपने हैं. तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कैसी बातें कर रहा है तू? सर मैं एक बात बताऊं, आप भाभी जी को अकेले जाने दो, प्रिवेसी देनी चाहिए अरे प्रिवेसी के लिए ही तो हम दोनों जा रहे हैं, घर पे नहीं मिलती प्रिवेसी। सर, प्रिवेसी देनी चाहिए, हर चीज में नहीं घुसना चाहिए कि, मतलब इतना तो रखना चाहिए ना. लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग सर, शादी में कई लोग आते हैं, आपकी शादी में आपके बॉस भी आए थे है ना. हाँ जी, मुनीष जी, उन्होंने मेरे से कहा उन्होंने, भाई नवेद तेरे को रेडियो मिर्ची पे बड़ा सुनते हैं, हमारे एक दोस्त की शादी हुई है, हनीमून का पैकेज लेने के लिए बात करिए कि इसे इसका मुर्गा बना. अब ना, ये अरे देखो आप बॉस को गाली दे रहे हो, आप सुन लिया. हेलो। विधि, हाँ मेरे को पता चला मोहक और तेरा क्या ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया है. आई एम सॉरी मैं तेरे को ऐसे फोन कर रहा हूँ, बट मोहक नहीं बोला होगा तुझे कॉल करने के नहीं, लिए। मेरे को मोहक ने नहीं बोला है, तेरा ब्रेकअप हो गया, कम से कम तेरे को सुनानी तो चाहिए थी उसको, क्या सुनानी चाहिए थी? किसी को फर्क पड़े तब नहीं ना, तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उस दिन से, ना तो उसके दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा कि ना तू आई करे क्यों नहीं ना थी। करे, भाड़वे जाए यार, तू क्यों घुट घुट के ऐसे रह रही है? तू अब उसके टच में तो नहीं है ना? सच में मेरा भड़ास भी निकल रही है, अभी भी रात को ही मैंने व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया, दिमाग खराब हो गया मेरा, अब भी मुझे भड़ास से तेरी निकल रही है। भास, इसको तूने कमीने को ब्लॉक किया है ना, अनब्लॉक कर. अनब्लॉक क्यों करूं मैं? नहीं अनब्लॉक तो कर, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे भड़ास निकलेगी, अनब्लॉक कर इसको, कर दिया मैंने फिर अनब्लॉक, से तो मैं ब्लॉक कर क्या इसको, करूं? अनब्लॉक करके अब फिर से ब्लॉक कर इसको, कर जरा. साले को भी करती हूँ, ले हो गया। तेरी भी गलती है, तूने इसके कितने फोटो तो तूने लाइक किए थे, अरे यार मैं खींचती थी तो मैं लाइक करूंगी ना नहीं अपनी। तो अभी अनलाइक कर इसके सारे फोटो. ये ले। मुझे किसी ने बताया तो तेरे पास पासवर्ड भी है इसका? हाँ है। इस कमीने का पासवर्ड बदल, बदल पासवर्ड.
हो गया, तूने पास कर दिया। देख अब कैसे तड़पेगा, क्योंकि अभी तो जब देखेगा ना सबसे पहले फोटो अनलाइक करें तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ पता चलेगा कमीने को अभी। लेकिन सुन कैसे पता चलेगा, क्योंकि तूने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो तो लॉग इन नहीं कर पाएगा, पता नहीं चल पाएगा। इसका पासवर्ड वही रख, वही पासवर्ड इसका जो पहले था ना। उसने जबरदस्ती उसने खुद को फॉलो करवाया इंस्टाग्राम पर। तू फॉलो करती है? 341 फॉलोअर था उसके। तू क्या अनफॉलो करती हूँ? अनफॉलो कर इंस्टा पे, और इसको अनफॉलो करके मुझे फॉलो कर, तड़प तड़प के मर जाएगा। मुझे फॉलो कर तू, कर भी अनफॉलो। अब मुझे फॉलो कर, जब पता चलेगा ना मुझे फॉलो कर रही है। नाम बता। आरजे नवेद लिख। क्या फोटो डाली है तूने? देख माइक पकड़ के, माइक पकड़ के फोटो छोड़, वो नीले रंग का निशान आ रहा होगा आरजे नवेद के आगे। देख इसको फॉलो कर, फॉलो कर इसे। कर दिया। अब कमीना कहीं का तड़पेगा। चल मैं रखता हूँ। चल ठीक है मरे। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। चाय नहीं पी रहे आज आप? चाय नहीं पी रहा मतलब क्या? मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पी आपने? एनी प्रॉब्लम सर? भाई कौन बोल कौन रहा है सर? भाई? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ, फेसबुक से बोल रहा हूँ सर। यू नो पिछले 7 दिन से हम आप किस हर चीज जानते हैं सर, यू नो डेटा एंड ऑल। तो सर व्हाट हैपेंड, आप चाय क्यों नहीं पी रहे हैं? भाई डेटा तू मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है ना, खुद पी लूंगा थोड़ी देर में। आप पी लीजिए ना, वहाँ पे भी आप भरे ना, मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो। ओके सर, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप। हाँ जी मिस्टर जयदीप, लेट मी आस्क यू, ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में? क्यों, तू कौन बोल रहा है? फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, यू नो डेटा। भैया क्यों परेशान कर रहा है? ठीक कोई बात थी, हो गई थी तेरे को या मतलब नहीं? मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, मतलब वी नो ना डेटा एंड ऑल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। मैं तो ऐसे ही कॉल कर लिया। सुन हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस। हेलो मिस्टर जयदीप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसकी ट्यूब आती है मार्केट में। हाँ फेसबुक से बोल रहा हूँ, फेसबुक पे नीचे आप सर्च करना आप ना, हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है। ठीक है, तू पागल तो ना हो रहा सबकी जिंदगी में झाक झाक के? नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया अभी, यू नो डेटा एंड ऑल। ओके ओके बाय। हेलो, आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप? क्यों? आज टॉयलेट बहुत कम बार गए हैं आप। हमने यहाँ से टोटल गया सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए, अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम से कम 6-6 बार टॉयलेट जाते थे। पानी कम पी रहे हैं शायद? अरे तुम मुंह तने भी नजर रख रहे हो। इस तरह की बात मत करिए, वी आर नो यू नो डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। हेलो मिस्टर जयदीप, इस बार आपने अनलिडेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में, एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलिडेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहे हो? फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी फेसबुक की। अब जब तेरे पास सारा डेटा है, ये डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना ना ना, तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखे ना, देखे देखे फेसबुक पे सब मेरी बात दिमाग खराब कर रखा है। फेसबुक से बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। मेरी बात सुन तू। सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू नस करने का, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू नस करने। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? आई वांट टू टॉक टू यू, कुछ बात बतानी है। जस्ट होल्ड ऑन, सो टुडे वी हैव टू कैंसिल दिस मीटिंग। Okay, wait, wait. I'll call you, call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to... Okay. Yeah. Wait, wait, wait. I'm finding the perfect way to talk to you, sir. Just... Are you guys? We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. Wait a second, eh? Wait, okay. Okay, a second, okay, okay. Hey, hi, how are you? Wait a second, actually, working with a bot. Kuta jaga, okay? Now we can talk, yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है सर। इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं सर। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी तेरी। हेलो इधर आ कमीने। हेलो हेलो, ये खून पी रखा है इसने। हेलो डॉक्टर कुमले बोल रहे हैं आप? यस। ये ईएनटी डॉक्टर कुमले? यस। मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था सर आपसे।
मैं यही दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मिलेगा आपका? ईएनटी डॉक्टर कुमले बोल रहे हो ना आप? ईएनटी? हाँ यस। हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अपनी नाक दिखानी थी। क्या हो गया नाक में? ये मेरे बेटे ने नाक में दम कर रखा है। चलो डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ रहा है, इतना नाक में दम कर रखा है तूने। बेकार की बातें कर रहे हो, वहाँ बैठ के पढ़ ले। चलो आप पागल तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? मेरे को ये कान भी दिखाने हैं अपने। मेरे कानों में चुभती है इसकी आवाज, चिल्ला रहा पूरे दिन। और ये गला देखो मेरा गला, यहाँ चिल्ला के मेरा गला परेशान हो गया। क्या कह रहे हैं आप? क्यों नाक दिखानी है? क्योंकि नाक में दम कर रखा है इसने। नाक में दम कर रखा तो मैं देखूंगा? नहीं तो ये एंटी नहीं देखेगा नाक की प्रॉब्लम। आप ये नाक की प्रॉब्लम आप देखते हो नहीं देखते? देखता हूँ। हाँ तो नाक में दम कर रखा है, किसको दिखाऊं? सर नाक में दम रखा है, मेरा इलाज कर दो वरना मैं आपको कान में दम कर दूंगा। डॉक्टर साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब, अब ये इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा था, मैंने कहा आपको जरा बात करूँ आपसे। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बना देता आपका, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, इज दिस मिसेस कविता कौशिक? यस। हाय मैम, गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्कूल। या ओके। I just need to know, मेरे को पूछना था, एडमिशन सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, राइट? जी। Are you happy? Right? Are you happy with the school? Yeah, very much. I am so excited. That's great. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि स्कूल के कुछ रूल्स हैं। जब कोर्स लेंगे बच्चे का, किताबें लेंगे, तो जहाँ से हम आपको बताएंगे वहीं से आप किताबें लेना। और मैम यूनिफॉर्म के लिए भी हमारा एक हमारी दुकान है जिसपे हम शॉप से लेंगे। स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन मैम अभी चेंज हो गया कुछ स्कूल में। अच्छा, बेटा कितने साल का है? बॉय? पांच साल का। मैडम उनके बाल आप वहीं कटवाएंगे जहां हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एक अपना है हेयर ड्रेसर, जिनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, आप उनसे पूछना। मैडम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपने स्कूल वैन क्यों नहीं ली, स्कूल बस क्यों नहीं लगाई है? वो हम बिल्कुल पास रहते हैं ना, तो मैं खुद ही पिकअप और ड्रॉप कर सकती हूँ बच्चों को। आप अपनी गाड़ी से आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेट्रोल वहीं से डलवाएंगे जो पेट्रोल पंप हम आपको बताएंगे। एक बात बताइए आप। हाँ जी मैडम। बच्चा भी अपना लाना है कि आप ही अरेंज करके देंगे? शुक्रिया, अभी तक मैडम स्कूल यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि बच्चा वो खुद अरेंज कर ले, इसलिए बच्चा आपका ये जो बचा हुआ है ना वो बच्चा है, बाकी सब इनका है मैडम। एंड मैडम कंग्रेचुलेशन, आपके बच्चों का एडमिशन हो गया। मैं रेडियो मिसेस नवीद बोल रहा हूँ। सब कुछ वहीं से मिल रहा है। लेकिन मैम प्लीज बाल आप वहीं कटवाना जहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? स्कूल में कटने। थैंक यू सो मच, एंड ऐसी हंसी रही। हैव अ गुड डे। यू टू। हेलो। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं आपका वक्त ले सकता हूँ या नहीं। बहरहाल मैंने फोन आपको इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आपको भी शौक है लिखने का और काफी लिटरेचर पे काम कर चुके हैं सर आप। कर चुका हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा। हमारी जिंदगी के सिलसिले जो हैं वो बड़ी पेचीदगियां हैं हमारी जिंदगी में, धीरे धीरे आपके पास खोलूंगा, लेकिन आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ बताऊँ आपको। मैं अभी घर पे हूँ असल में, और घर पे काफी लोग भी हैं। किस सिलसिले में बात? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिये मैं असल में मैं खुद लिटरेचर में हूँ, और मैं जुबानों की कदर करते हैं। अभी तो मैं घर पे हूँ, और मेरे वालिद साहब भी मेरे घर पे हैं। वालिद साहब हैं, मेरे दादा भी अभी हयात हैं, जिंदा हैं, वालदा हैं मेरी, मेरी अहलियाँ हैं, बच्चा है मेरा। तो मैं आपसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन आप अपने मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा अपने बारे में। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात आई शुरू में और शुरू में। अरे टूट गया। क्या टूट गया? कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब का भरोसा टूट गया, अभी टूटा है वो। मेरी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, उन्हें भरोसा था कभी बदतमीजी नहीं करेगी, तो अभी टूटा है बिल्कुल। उसको समेट के देखो किसी के पैर में ना लगे, रख दो। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे आने के बाद असल में मैं घर से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। उसको कम्बल उड़ा दो, ठंड लगेगी रात में उसको, ठीक है कम्बल उड़ा दो। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि आप रात हैं और मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल ये है कि आपसे बताना बड़ा जरूरी था, तो मैं अपने बारे में आपको ये बता रहा था। जी आप हंसेगा, मेरी बात सुनिए। देखिए तो मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में जो ये इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन क्या है भैया,
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बड़ी देर से जागे। चलो चलिए आप मुंह धो लीजिए। कौन जाग गई? उम्मीद जाग गई। अभी मेरी वालदा की उम्मीद जागी है कि शायद अभी बहू जो है मेरी वाइफ हो, कहना माने या थोड़ा सा ख्याल रखे जी। तो अभी देखिए ना कितना ताज्जुब है कि जमीर अभी सोया है और उम्मीद जाग गई। इतनी देर से उठे हो, नाश्ता खुद करो, चलो जल के। आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि तो मैं असल में मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, देखिए लेकिन मैंने खुद नहीं किया नाश्ता और भूख इतनी तेज मुझे सुबह लग रही थी। क्या अच्छा एक सेकंड आप हंसी में क्या हो? अल्लाह अल्लाह क्या हुआ? मर गई। क्या मर गई? भूख मर गई बिल्कुल। अभी मरी है, पता चला कब हुआ? कब है? अभी ढाई मिनट पहले। बस ये है कि देखिए दुनिया में बस अपनी चीजें चल रही हैं, अपना ये है कि एक सेकंड कौन? अच्छा आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। कौन आ गया? आइडिया आ गया, आइडिया आ गया कि मैं अब बता दूं आपको कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, मैं मुर्गा बना रहा था आपको, मैं मतलब ये देखा क्या कर रहा। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। बंद करो यार हेलो हेलो। सर मैं आपको क्या बताऊं अपने बारे में? विकी बोल रहे हो आप? हाँ जी। विकी मैंने सुना आपकी डायरी खो गई थी, पर्सनल डायरी। देखिए आप पर्सनल सिग्नल चले गए, मैंने सुना आपकी पर्सनल डायरी खो गई थी। हेलो। हाँ जी डायरी खो गई थी मेरी। मुबारक हो सर, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। अरे आपको मिल गई? हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। मैंने कहा मैं बात करता हूँ विकी जी से। विकी जी मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो आपकी डायरी हमें मिली है ये 3 दिन पहले। अच्छा जी, कहाँ पे मिली है? आप कहाँ मिल सकते ये हो? हमें मिली है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ड्राइवर गया था किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, तो वापसी में कहने लगा सर ये किसी की पर्सनल डायरी है। क्या वो मिली है? आप कहाँ? देखिए आप बताइए, डायरी तो आपको नहीं दे सकते हम, लेकिन आपकी डायरी पढ़ी मैंने 2.5 दिन लगा दिया उसमें, इतनी पसंद आई है हमारी कंपनी को, इतनी पसंद आपकी पर्सनल डायरी, तो इसको पब्लिश कर रहे हैं सर। हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस है वर्मा पब्लिकेशन, तो इतनी कमाल की चीजें लिखी हुई है उसमें। मैं सोच रहा हूँ पढ़ नहीं सकते हो पर्सनल डायरी सर? ऐसे थे सर, मुझसे नहीं रहा गया शुरू के 2 पन्ने के बाद, मुझसे नहीं रहा गया। बेसिक है कि किसी का पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना चाहिए। आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसमें शुरू में, उसमें जो बीच में आपने ये लिखा है ना कि आपने ट्विस्ट भी डाल दिया ना। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने ये लिखा है कि मेरी जिंदगी में कोई और भी है जिसका मैं खुद किसी को नहीं बता सकता। सर नहीं सर ऐसे तो भाई आप कहाँ हो कौन हो बताओ जल्दी, ऐसे थोड़ी पर्सनल डायरी एक तो पढ़ लिया दूसरा छापने की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये तो छपेगी और उस दिन आपने लिखा है आज तारीख 18 मार्च। पागल हो गया क्या भाई? इसको लगाओ भाई डाइट पे लगाओ, मैं इसको छपा रहा हूँ आपको, आप दुकान से खरीद लेना आपको तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना? पागल नहीं हो गया भाई तू? वही आगे मार रहा हूँ, कहाँ मैं बताओ मैं भैया? कोई आपकी डायरी नहीं छप रही है। अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, कोई डायरी नहीं छप रही है, पर्सनल पर्सनल होता है, मेरे को मिली भी नहीं। मैं तो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये कौशिक ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि इसका मुर्गा बनाओ, इसकी डायरी खो गई है पर्सनल डायरी। तो मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी डायरी, मिल जाएगी।